हेलो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। जो इंटरव्यू के सीरीज के क्वेश्चंस हमने बना रखे हैं, वह क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ, जिन भी व्यूवर्स का जो क्वेश्चन छूट गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जो भी इंटरव्यू से क्वेश्चंस के आंसर मैंने बताए हैं, उसके लिए आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उन पांच जो पिछले पांच वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। आप वहां से पिछले वीडियोस के क्वेश्चंस में के आंसर को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज फिर से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और क्वेश्चंस के आंसर को सही से समझिएगा। अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गाइस, आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क, कि आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि क्या आपको कुछ पूछना है, तो इसमें एग्जैक्टली क्या आंसर होना चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि क्या नहीं पूछना है। ठीक, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको क्या नहीं पूछना है पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर क्या पूछना है इसके बारे में जानेंगे। क्लियर? तो गाइस, सबसे पहले ध्यान रखिएगा क्या आपको नहीं पूछना है। पहला, You will never ask about the salary date. आप कभी भी सैलरी का डेट नहीं पूछेंगे कि सैलरी किस डेट को मिलेगी। सेकेंड, how many leaves will be given? Okay, कितने leaves दिए जाएंगे, मतलब आपको कितनी leave चाहिए या मतलब कंपनी जो है कितने leave देगी। थर्ड वन इज द फैसिलिटीज, कंपनी क्या फैसिलिटीज देगी। फिर अगर मैं जो है अचानक से छुट्टी ले लूं तो क्या मुझे छुट्टी मिल जाएगी, या क्या कंपनी मुझे बाहर कभी टूर के लिए भेजेगी, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट्स देती है। ये आप क्वेश्चन खुद से कभी नहीं पूछेंगे अगर उन्होंने ऑफर किया है तो। इस क्वेश्चन का इन क्वेश्चन को पूछने से सबसे पहले आप बताइए कि क्या लगता है, क्या चीज़ शो हो रहा है। इस क्वेश्चन, जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो इंटरव्यू के दिमाग में सबसे पहले ये जाएगा, दैट इज ही हैज अ ग्रीडनेस, लालच है इसके अंदर। दूसरा, कि चीजें क्या हैं, ये सिर्फ अपने बेनिफिट्स की ही बात कर रहा है, मतलब ये वही चीज जानना चाहता है जो इसके बेनिफिट के लिए होता है। एग्जैक्टली सभी लोग के मन में ये क्वेश्चन होता है, मैं भी चाहूंगा तो मेरे मन में भी ये क्वेश्चन होता है कि मैं ये सब क्वेश्चन पूछूं। लेकिन क्या है ना, मैंने क्या बताया था कि आपको वो बोलना है जो वो सुनना चाहता है, तो इंटरव्यू को वो बोलिए, वो पूछिए जो वो क्या करते सुनना चाहता है। सबके मन में चाहे, सब जानना चाहते हैं मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेगा, सभी जानना चाहते हैं मुझे मैं सैलरी की रेट क्या होगी, सभी जानना चाहते हैं कि लीव की क्या पॉलिसीज है, सभी जानना चाहते हैं। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये सब आपके अपने बेनिफिट्स के लिए बताए हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी चलाके दिखानी है आपको, खुद से ये क्वेश्चन नहीं पूछना है। क्योंकि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जब होता है ना, तो वो पॉलिसी लेटर जो मिलता है उसमें सब कुछ लिखा होता है, तो वहां तो आपको सब कुछ पता ही चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप खुद से नहीं पूछेंगे। क्लियर है? तो आप ये जान लेते कि तो पूछेंगे क्या। तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो सिंपल सा बस आप क्या पूछेंगे, सर आई वॉन्ट टू नो द पॉलिसी ऑफ दिस कंपनी, मैं इस कंपनी की पॉलिसी जानना चाहता हूँ। आपने पॉलिसी बोला, सारा का सारा जो आप पूछना चाहते थे उसमें भी वो आ गया। यानी आपने अपनी कोई भी बेनिफिट्स की बात नहीं की, आपने अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट्स की बात नहीं की, आपने क्या सिर्फ कंपनी की पॉलिसी की बात की और कंपनी की पॉलिसी में सब कुछ आ जाएंगे। ओके, इससे क्या होगा, इसका आंसर देने से क्या होगा ना, इसका आंसर से एक पॉजिटिविटी जाएगी कि ये कैंडिडेट जो है कंपनी के नॉर्म्स के बारे में, कंपनी की रूल रेगुलेशन के बारे में, कंपनी के पॉलिसीज के बारे में जानना चाहता है, और ये खुद इसके अंदर कोई लालच नहीं है। यानी अपने बेनिफिट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, कंपनी की पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है। जबकि स्मार्टली देखिए तो कंपनी के पॉलिसी में आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनके सारे आंसर्स उसमें मिल जाएंगे, कि क्या लीव मिलेगी, क्या पे होगी, क्या पे आउट होगा, आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, क्या TA होगा, DA होगा, HRA क्या होगा, सब कुछ उसमें होगा। लेकिन आपने अपने मुँह से नहीं पूछा, आपने सिर्फ एक छोटा सा आंसर दिया कंपनी पॉलिसी। तो गाइस, लास्ट में ये कहना चाहूँगा, अगर आपसे पूछा जाता है Do you have any questions to ask? क्या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो सिंपल बस आप एक आंसर देंगे, यस सर आई वॉन्ट टू आस्क, मैं पूछना चाहता हूँ। वो पूछेंगे क्या, दैट से आई वॉन्ट टू नो द पॉलिसी ऑफ दिस कंपनी, मैं इस कंपनी की पॉलिसी के बारे में जानना चाहता हूँ। क्लियर?
देखा कितना स्मार्ट आंसर है, आप आपने कुछ नहीं पूछा और आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्लियर है गाइस? तो ऐसे स्मार्ट आंसर के लिए इस वीडियो सीरीज को देखते रहिए, और जैसा कि मैंने बताया अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स को मैंने ट्रेनिंग दिया है दे ऑल गॉट सिलेक्शन, और आई विश कि आप लोग का भी सबका सिलेक्शन होगा। और इंटरव्यूज की ट्रेनिंग के लिए आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग अगर आप चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको ऑफलाइन इस समय मैं ट्रेनिंग दे भी रहा हूँ। जो भी ऑनलाइन के लिए इंटरेस्टेड है वो ऑनलाइन भी इंटरव्यू ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि आपकी क्या बॉडी जेस्चर्स होनी चाहिए, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे रिज्यूमे देना है, कैसे सीवी देना है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, ये मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। यहाँ पे बस मैं आपको इंटरव्यूज के क्वेश्चंस के ट्रिक्स बता सकता हूँ। क्लियर? बाकी डिटेल के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस, यू आर मोस्ट वेलकम। सो गाइस थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम, विश यू गुड लक एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।